करनाल में आपकी रसोई की खुशबू महक रही है। लोग मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं। यह जुनून लेकर चल रहे हैं करनाल के जेबीडी कल्याण समिति के संचालक एवं समाज सेवी भारत भूषण कपूर। जेबीडी कल्याण समिति की तरफ से इस बार मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रेम नगर करनाल में आपकी रसोई का आयोजन किया गया। समाज सेवी भारत भूषण कपूर द्वारा मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट भोजन की थाली वाली आपकी रसोई को प्रत्येक रविवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा दिया। यहां पर हर वर्ग के लोग भोजन का आनंद एक साथ लेते नजर आते हैं। इस मौके पर समाज सेवी भारत भूषण ने बताया कि समाज में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इस दिशा में यह छोटा सा कदम है। रसोई को वह प्रत्येक रविवार को लोगों के सहयोग से लगा रहे हैं। खाने की गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है, वह पॉलिथीन उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि भोजन को हर प्रसाद मान ले तो कभी अन्न बर्बाद ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का सम्मान करना चाहिए। हमें थाली में खाने के लिए उतना ही अन्न लेना चाहिए जितना हम खा सकें। साधारण सी बात है, जितनी खाने की बर्बादी की जाती है उसे बचाकर हजारों लोगों के पेट की भूख मिटाई जा सकती है। गौरतलब है कि प्रत्येक रविवार को जेबीडी समाज कल्याण समिति द्वारा लोगों को समर्पित आपकी रसोई का आयोजन किया जाता है, जहां पहुंचकर लोग मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। आज आयोजित आपकी रसोई में 1000 से अधिक लोगों ने भोजन ग्रहण किया। हर वर्ग के लोग यहां पर एक साथ भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपकी रसोई का कार्यक्रम 30 जून से शुरू किया गया था, वो भी कंटिन्यू चल ही रहा है। और आज जैसे कि माहौल थोड़ा है पब्लिक के अंदर, कोई सोशल मीडिया की वजह से और टीवी के जितने भी चैनल हैं वो जैसे बार बार कोरोना के बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि उसमें कोई ऐसी हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी प्रिकॉशन जरूरी है, जैसे बोला जा रहा है हर 15-20 मिनट बाद जो है हैंड अच्छी तरह वॉश किया जाए, और प्रसाद लेना है या भोजन लेना है सैनिटाइजर उस टाइम सैनिटाइजर से हाथ साफ किए जाए, और किसी की अगर तबीयत थोड़ी सी लगता है उसको मेरी तबीयत नासाज है तो वो थोड़ा बाहर ना निकले घर से, घर पे ही अपना परहेज करें, इसी से थोड़ा बचाव होगा। वैसे तो पूरे विश्व में इस टाइम जैसे आ रहा है न्यूज़ के अंदर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी हिंदुस्तान में इतनी दिक्कत नहीं है, इसलिए भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस बारे में गाइडलाइन जारी कर ही रहे हैं कि इसको गंभीरता से थोड़ा लें, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, दहशत वाली बात नहीं है, इसे दहशत ना फैलाएं, झूठी अफवाहें झूठी अफवाहें ना फैलाएं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है और आने वाले समय में इसका कोई ना कोई इलाज भी निकल के आएगा। बाकी रसोई का कार्यक्रम ठीक चल रहा है और हमारा भी ये मानना है कि आगे शायद हम आने वाले 2 कार्यक्रम जो है हमारे 22 और 25 को शायद हम उनको नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से आगे अप्रैल में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.